वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेट पीसेस प्रिपरेशन बाय SCS। ज्योग्राफी का सेशन हमने स्टार्ट कर दिया था, उसके आगे हमने सोलर सिस्टम में उसमें पढ़ लिया था। सोलर सिस्टम में हमने सन के बारे में पढ़ लिया था, आज हम सारे प्लैनेट्स को डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मरकरी। मरकरी इज द क्लोजेस्ट टू द सन एंड द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। मरकरी क्या है, देखिए हमें दो इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्लोजेस्ट भी है सन के और क्या स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है सोलर सिस्टम का। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा अभी फिलहाल में मरकरी है, ये क्या है क्लोजेस्ट भी है सन के। ठीक है, इट्स रेवोल्यूशन पीरियड अराउंड सन इज इट, ये वाला देखिए ये चीज़ क्वेश्चन में बहुत बार पूछता है कि इसका रेवोल्यूशन पीरियड क्या है मरकरी का, कितने दिनों का है, 88 दिन, 88 दिनों का है। ठीक है, मरकरी वीनस आर ऑल्सो कॉल्ड इंटीरियर प्लैनेट। मरकरी और वीनस, देखिए मरकरी और वीनस, ठीक है, इन दोनों को क्या कहते हैं, इंटीरियर प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, इट्स टेम्परेचर, इट्स रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट इज डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर हाइएस्ट अमंग ऑल द प्लैनेट्स। ठीक है, एट 560 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वन डे ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 90 डे ऑफ अर्थ, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे लाइन बनती है, वन डे ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 90 डे ऑफ अर्थ। ठीक है, और इसका मास कितने के बराबर है, 1/18 मास ऑफ अर्थ के। ठीक है, इसमें इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है, क्या मरकरी के पास कोई सैटेलाइट है, नहीं। इसका मास कितना है, इसका मास है 1/18, अर्थ का जो मास है उसका 1/18 पार्ट है मरकरी के मास का। ठीक है, अब आ जाते हैं कि डेज कितने लगते हैं इसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, 88 डेज लगते हैं। स्मॉलेस्ट पार्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम है, क्लोजेस्ट टू द सन है। ठीक है, मरकरी इज इक्वल टू 1 दिन मरकरी का भार अर्थ के 90 दिनों के बराबर होता है। ठीक है, वीनस पाते दिस इज द सेकेंड प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन। ठीक है, इसका रेवोल्यूशन पीरियड 225 दिनों का है, 225 दिनों का इसका रेवोल्यूशन पीरियड है, सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के। इट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, अर्थ के क्लोजेस्ट है। ठीक है, अपीयर्स ब्राइटेस्ट आफ्टर द सन एंड मून, सन और मून के बाद ये ब्राइटेस्ट है। ठीक है, इसको देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो आने वाली है, इट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। ठीक है, तो इसको और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। ठीक, ये हो गया वीनस। एट इट्स साइज एंड मास इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू अर्थ, इसका क्या है मास और इसका साइज सब कुछ जो है अर्थ के बिल्कुल ही इक्वल है, इसी वजह से इसको ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, क्या कहा जाता है इसको, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। ठीक, अब आगे आ जाते हैं, देखिए देयर इज अ 90-95% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस। ठीक है, इसमें 90-95% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वीनस पे, ड्यू टू विच कंडीशन ऑफ प्रेशर कुकर अराइजेस। ठीक है, इट हैज ऑल्सो नो सैटेलाइट, इसके पास भी खुद की कोई सैटेलाइट नहीं है। तो क्या हमें यहाँ से क्या जानकारी मिलती है, ये सेकेंड प्लैनेट है क्लोजेस्ट टू द सन। ठीक है, इसके रेवोल्यूशन पीरियड 225 दिनों का है, क्लोजेस्ट है अर्थ के, इसका लगभग मास डेंसिटी वेट सब कुछ जो है साइज वाइज ये लगभग अर्थ के इक्वल है, इसी वजह से इसको ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके पास भी खुद की कोई सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, इस पर 90-95% कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसकी वजह से इस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। अब आते हैं अर्थ पे, फिफ्थ इन टर्म्स ऑफ साइज, अर्थ इज 23.5 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस टिल्टेड। ठीक है, फिफ्थ पूरे जो अगर साइज में बात करें तो अर्थ 5वें स्थान पे आता है। इसका रेवोल्यूशन पीरियड है 365 डेज। ठीक है, हमारा जो एक साल होता है वो हमारा 365 दिन का ही होता है, वही इसका रेवोल्यूशन पीरियड है। इसका एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन इज 150 मिलियन किलोमीटर्स। ठीक है, इट इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ इज पॉसिबल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। अर्थ को और क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं मार्स पे। मार्स का जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो 687 डेज का है। कितने का, 687 डेज का। अच्छा, इसका सरफेस रेड होता है, इसी वजह से इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं। क्या है, इसका सरफेस बहुत रेड है। ठीक है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेड प्लैनेट। ठीक है, आगे चल के पढ़ेंगे भी कि रेड क्यों होता है इसका। ठीक है, प्लैनेट इसका देखिए दो, फोब्स, फोबोस और डिमोस, ये इसके दो सैटेलाइट्स हैं। ये नाम अक्सर पूछ लेता है कि मार्स के दोनों सैटेलाइट्स का नाम क्या है, तो फोबोस और डिमोस है। ठीक है, डिमोस क्या है, इज द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मार्स के। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है ही, पढ़िए कुछ मेन मेन चीज़ें जो बेसिकली आपको हमेशा याद रखनी है, ये वो चीज़ें हैं। अब नीचे चलते हैं,
जुपिटर पे। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 11.9 ईयर्स। ये सबसे बड़ा प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में जो सन में के इर्द गिर्द 11.9 ईयर्स में रिवॉल्व करता है, ठीक है। इसके पास खुद की देखिए 67 सैटेलाइट्स हैं, इसके पास खुद की 67 सैटेलाइट्स हैं जिसमें गेनी मेड सबसे लार्जेस्ट है। ये नाम अक्सर करके पूछ लेता है कि गेनी मेड किसकी सैटेलाइट है, ये जुपिटर की है लार्जेस्ट सैटेलाइट, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। जुपिटर इज ऑल्सो कॉल्ड मिनिएचर सोलर सिस्टम, ठीक है। जुपिटर जुपिटर के पास इतनी सैटेलाइट्स हैं खुद की, तो ऑब्वियसली इसको इसी वजह से मिनिएचर सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। अच्छा, इन इट्स एटमोसफियर हाइड्रोजन, हीलियम, मिथेन, अमोनिया जैसे गैस पाए जाते हैं, ठीक है। इसका जो एटमोसफेरिक प्रेशर है वो 10 मिलियन टाइम्स ज़्यादा है किसके एटमोसफेरिक प्रेशर के, अर्थ के। अर्थ के एटमोसफेरिक प्रेशर से इसका एटमोसफेरिक प्रेशर 10 मिलियन टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। इट हैज़ बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट, ठीक है। इसके पास दोनों की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, स्टार और प्लैनेट दोनों की, बिकॉज एज इट हैज़ इट्स ओन रेडियो एनर्जी। इसके पास खुद की रेडियो एनर्जी होने की वजह से इसके पास स्टार्स और प्लैनेट दोनों की ही प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है। तो एक लौता प्लैनेट है जिसके पास स्टार और प्लैनेट दोनों की प्रॉपर्टी है। क्या है ये लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, 11.9 ईयर्स लगते हैं इसको रिवॉल्व होने में, 67 सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो में, बाकी के जो आगे का जुपिटर, सैटर्न और सारे प्लैनेट्स हैं वो हम आगे कवर करेंगे, आगे का भी लेक्चर हम आगे की डिटेल्स जो है आगे के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो आई होप आपको जानकारी समझ में आई हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को अभी तक अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।